हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम तो मैं क्रिएट कर रही हूँ एक आउटफिट जो कि मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया और ख़ुद सब कुछ करूँगी उस पर यानी स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी सब कुछ इस पर खुद करूँगी ठीक है तो ये स्केच है उसका सेम एज़ ऐसे ही बनेगा एंड मैं आप लोगों लोग देखना है इसका फाइनल क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है तो यहाँ पर मैं फर्स्ट आ गई थी मार्केट मार्केट में मुझे चाहिए था कपड़ा वो भी रॉ सिल्क का क्योंकि मेरी फेवरेट है रॉ सिल्क और रॉ सिल्क ऐसा कपड़ा है कि आप उसको आ, दोनों वेदर पहन सकते हो यानी सर्दियों में भी पहन सकते हो और गर्मियों में भी पहन सकते हो तो ये स्केच मैं आ, अपनी अम्मी से जो शेयर कर रही थी कि भाई अगर मैं स्ट्रेट में इसकी एम्ब्रॉयडरी करती हूँ तो भी अच्छी लगेगी और अगर मैं कर्ल में करती हूँ तो भी बहुत प्यारी लगेगी अच्छा फिर जो है बारी आती इसकी कटिंग की तो यहाँ पर मेरी अम्मी जो है मुझे गाइड कर रही थी और साथ साथ मैं इसको कट कर रही थी आ, बहुत सारी जो है ना बॉमेंट्स आते कि आपने कैंची बहुत छोटी ली थी तो इससे भी मैं कंफर्टेबल थी इसलिए मैंने ये ले ली तो यहाँ से हम जो है ना अखबार पे थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे कुछ मसला हो रहा था तो यहाँ पे भी अखबार पे थोड़ा क्लियर हो गया था क्योंकि अगर आप रफली बनाते हो थो, तो उससे थोड़ा सा आपका काम जो है वो ईजी हो जाता जा है फिर जो है ट्राउजर का कपड़ा सॉरी सीस का कपड़ा जो है वो कट हो रहा था और गाय से मैंने एक बार आप लोग तो वीडियो में बोला था कि सिलाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी हाँ मेरे लिए अभी भी, भी वही स्टेटमेंट है मेरी कि सिलाई करना बहुत मुश्किल काम है मैं जो है ना सलाम करती हूँ उन लोगों को जो घर पे बैठ के सिलाई करते हैं या बाहर पर भी बैठ के सिलाई करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा ना पेनफुल काम है ये बहुत ज़्यादा इसके बैक में दर्द हो जाता है इस काम से इंसान की हालत जो ना बहुत ख़राब हो जाती है सिलाई करके तो वही हिम्मत है आप लोग की मैं आपको सलाम पेश करती हूँ तो यहाँ पे हम लोग जो है नेक जो है फ्रंट का वो कट कर रहे थे यहाँ पे निशान लगा रही थी मैं ताकि कोई मसला ना हो कट करने में तो फिर जो है इसको कट किया हमने बाकी ये है कि फिर इसके जो बॉर्डर्स लगेंगे स्लीव्स पे और उस पर दामन पर पंचों पर प्लाजो के वो इस तरह से लगेंगे यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया था पूरा ठीक है प्लेन अब इसकी जो है ना स्टिचिंग होगी स्टिचिंग करने के बाद मैं जो है इसका जो है ना पूरा नेक रेडी हो जाएगा ठीक है ये पूरे बॉर्डर्स रेडी हो रहे हैं फिर मुझे चाहिए थी गूटकों और फिर मैं आई मेमन फाउंडेशन जो कि कोरंगी नंबर पाँच पे है तो यहाँ पे मैं शॉप से ही लेती हूँ इनसे गुटाकॉन और बाकी ये ग्लू मेरे बहुत ज़्यादा काम की है और फिर जो है मैंने गुटाकॉन से आउटलाइन की ठीक है इस तरह से आउटलाइन लाइन करूँगी और जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी सूखने के बाद ये और ज़्यादा प्यारी लगती है और इसकी गारंटी होती है कि ये जो है ना मतलब आप इसको वॉश करोगे सूखने के बाद ये हटेगी नहीं बेशक आप इसको रगड़ो या इसको जो स्कॉच होता है उससे साफ़ करो ये हटेगी नहीं फिर आती है बारी इस ग्लू की इस ग्लू के लिए मैं आपको ये बोलूँगी बेगैरपेटर ठीक है इसको प्लीज़ हाथ से कभी भी यूज़ नहीं करेगा क्योंकि अगर ये हाथ पे लग जाए ना ज़रा सी भी तो ये आपके हाथ का बड़ा ग्रह कर देगी यानी आपके हाथ पूरे ख़राब हो जाएंगे और रफ हो जाएंगे इसलिए कोशिश किया करें इसके साथ कैप आता है नीडल वाला इसके कैप में नीडल लगी होती है से आप इसका जो है ना सारा यूज़ करें और ये थी इसकी फाइनल लुक आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को इसकी फाइनल लुक कैसी लगी जो कि बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत से बनाई है बहुत ज़्यादा इसकी सिलाई में और इसकी एम्ब्रॉयडरी में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है मेरी मे भी तीन चार दिन अच्छा देखो पूरी ब्लॉग देख लिए और पूरा जो है फाइनल लुक देख भी लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब तो बनता है ना सब्सक्राइब करोगे या नहीं और अगर नहीं करो तो मैंने चैनल डिलीट कर देना है चुप बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की अब जल्दी से बताओ सब्सक्राइब करोगे ना नहीं तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो तो मिलते हो नेक्स्ट मंथ में अगली वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज